Hello and welcome to Tech Assistant for Blind. If you are a new viewer and you want to be tech expert, so please keep watching this video and subscribe our channel for latest technology tutorials because all kinds of technology related solutions are available on this channel. तो दोस्तों आ गए हम एक और इंटरेस्टिंग और यूनिक वीडियो के साथ। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूनिक है, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम आप सभी लोगों को होती है कैप्चा को सॉल्व करने के लिए, लेकिन आज हम आपको कैप्चा का सलूशन लेकर आए हैं आपके लिए। कैप्चा कैसे सॉल्व करना है? जी हाँ दोस्तों, आपको कैप्चा सॉल्व करना है, लेकिन कैसे? एकदम आसानी से, सिर्फ आप इमेज पर टच करोगे आपका कैप्चा रीड कर देगा, यानी कि जिस भी वेबसाइट में हो आप, उस वेबसाइट के किसी भी इमेज को आपको सिर्फ टच करना है, आपका कैप्चा रीड हो जाएगा। ना इमेज को होल्ड करना है, ना ही कहीं शेयर करना है, ना ही कहीं कॉपी करना है, ना ही कहीं पेस्ट करना है। तो ये कुछ भी आपको करने की ज़रूरत नहीं, बस वेबसाइट खोलो, कैप्चा की इमेज पर टच करो और टच करने के बाद कैप्चा टाइप करके डाल दो। तो ये कैसे होगा, किस तरह से होगा, आज की वीडियो में आपको देखने के लिए मिलेगा। और इस वीडियो को ज़रूर सबके साथ शेयर कर देना, और चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी ऑन पे सेट, ऑल पे सेट करके जाना, क्योंकि यूनिक वीडियोस की लिस्ट यहाँ पर पड़ी है। और कल के वीडियो के लिए आप सभी लोगों का थैंक यू सो मच, क्या भर भर के कमेंट किए आपने एक ही दिन में, 85 कमेंट्स, मतलब रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया आप लोगों ने। तो पहली बार इतने कमेंट्स आए और एक ही दिन में इतने सारे व्यूज़, और वो भी क्वेश्चन एंड आंसर पर, तो मज़ा ही आ गया कल तो। तो आप लोगों के भी अगर कुछ सवाल होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर सवाल पूछिए, आपको जवाब संडे के दिन मिलेंगे। तो संडे का वीडियो अगर आपने अभी तक हमारा देखा नहीं होगा, क्यों आने वाला, तो उसको भी ज़रूर देखिएगा, काफ़ी मज़ा आएगा आपको, बहुत कुछ नया नया सीखने के लिए मिलेगा उस वीडियो में। लेकिन कैप्चा को सॉल्व करने के लिए ये वीडियो पूरा देखना होगा। आज वीडियो स्किप करने के लिए नहीं कहूँगा, लेकिन ये वीडियो ज़रूर सबके साथ शेयर करें, लाइक करके जाना। मैं हूं आपका दोस्त जीतूराज, चलिए शुरू करते हैं आज के इस नए एपिसोड को। तो दोस्तों हम लोग चलेंगे क्रोम में और देख लेते हैं, कोई एक वेबसाइट खोल लेते हैं। मेरे पास यहाँ पे एक लिंक है वेबसाइट की, मैं उसे खोलूंगा और मैं कोई कॉपी या कोई शेयर किसी भी एप्लीकेशन में शेयर नहीं करूँगा, कहीं कॉपी नहीं करूँगा, कोई के पेस्ट नहीं करूँगा, बस इमेज पर टच करूँगा और इमेज मेरा कैप्चा पड़ेगा। एक सेटिंग ऑन करनी है मुझे, बस वो क्या है मैं आपको आगे दिखाता हूँ। तो क्रोम में चलते हैं हम लोग। क्रोम खोल लेते हैं, खोल लेते हैं। Chrome data, 68%. अभी साइट खुल रही है, तो मैं जो है स्लाइड करके जो है सीधे कैप्चा पर पहुंचता हूं। Reference documents. Submit. Home, sys password, enter forgot password, center view container, du password, enter password. Home, sys enter registration number, password, enter password, captcha stop recording. Capture underscore images dot php question mark width equals 100 and height equals 40 and code equals kxgs. तो आप लोगों ने देखा होगा ये इमेज को जो है कैप्चा पढ़ रहा है, सिर्फ क्या कैप्चा है ये रीड नहीं कर रहा है। तो अब मुझे जो है रीड करना है कि ये क्या है, ठीक है, ये क्या है मुझे ये रीड करना है। तो मैं फिर से एक बार दिखा रहा हूँ, यहाँ पे कुछ भी रीड नहीं कर रहा है, देखिए है ना, कैप्चा इमेज है ऐसा बता रहा है ये, लेकिन क्या लिखा है ये नहीं बता रहा। तो अब मुझे करना क्या है, सिंपली मोर ऑप्शन में जाना है, ठीक है। Five open tabs, more options. मोर ऑप्शन में चलेंगे। Pop-up window, forward, disabled. अब यहाँ पर क्रोम में एक नया ऑप्शन जुड़ा है जिसका नाम है इमेज डिस्क्रिप्शन, ठीक है, वो आपको ढूंढना है। Download, add, book, add, recent, share, find, trend, add to, turn on, get image descriptions. ठीक है, get image description, ये एक नया ऑप्शन जुड़ा है क्रोम में। अगर आपके पास नहीं आ रहा होगा तो क्रोम को अपडेट कर लीजिएगा, आपको ऑप्शन मिल जाएगा गेट इमेज डिस्क्रिप्शन का। इसको बस आपको सिंपली ऑन कर लेना है। ऑन करते हैं। Image descriptions added for this page. Chrome data. More options. जैसे ही हमने इसे ऑन किया तो इसने कहा इमेज डिस्क्रिप्शन एडेड फ्रॉम दिस पेज, यानी इस पेज पर जो है अब जो भी इमेज आएगी, सिर्फ कैप्चा ही नहीं तो कोई भी इमेज हो उसका डिस्क्रिप्शन ये तुरंत पढ़ के बता देगा। तो फिलहाल हम कैप्चा पे फिंगर रखूंगा, फिर से एक बार कैप्चा पे फिंगर रखते हैं। Submit.
password and appears to say 28 UTR. देखिए इसने कहा appears to say, अब मैंने जब कैप्चा जो पढ़ रहा था उसी जगह पे मैंने फिंगर रखी तो कैप्चा की इमेज जो है ये रीड कर रहा है जिस भी जगह पे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ कैप्चा पे, जिस भी जगह पे इमेज होगी तो वहाँ पर पहला वर्ड ये बोलेगा appears to say, ठीक है appears to say, उसके आगे इसने जो है कैप्चा ये रीड करके बता दिया हमें। फिर से देखते एक बार, center view can appears to say 28 QTR chrome beta 28 QTR, ठीक है ये हमारा कैप्चा कोड है, इसको सीधा या तो आप कॉपी करो या तो आप सीधा टाइप कर दो यहीं के यहीं पर, आपको कोई कॉपी नहीं करना है, कोई शेयर नहीं करना है, किसी भी एप्लीकेशन की ज़रूरत नहीं है, आप बड़ी ही आसानी से कैप्चा को रीड कर पा रहे हो और बड़ी ही आसानी से आप कैप्चा सॉल्व कर पा रहे हो। और सिर्फ यही नहीं, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा क्योंकि कैप्चा सॉल्व करने का एक और बहुत ही बेहतरीन तरीका मैं आपके लिए लेकर आने वाला हूँ जो बचा हुआ है अभी हमारे पास। ये तो क्रोम ने नया ऑप्शन दे दिया, वरना एक जुगाड़ तो हमने भी ढूंढ कर निकाला हुआ है, तो उसको भी जानने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा क्योंकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग और यूनिक वीडियोस आपको हमारे चैनल पर हमेशा हमारे चैनल पर यूनिक वीडियोस देखने के लिए मिल जाते हैं। तो जाइए क्रोम को अपडेट कीजिए और कैप्चा सॉल्व कीजिए। मैं मिलता हूँ किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।